2022 में इलन मस्क ने $44 बिलियन देकर ट्विटर को खरीदा था। तब कई सारे लोगों को लग रहा था कि एक बेवकूफी भरा डिसीजन है, इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खर्च करना पागलपन है, जो कि इलन मस्क को भारी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तो ये है कि इलन मस्क हम आम इंसानों जैसा सोचते ही नहीं है। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां इलन मस्क की सोच शुरू होती है। देखिए इलन मस्क का कहना था कि वो फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ट्विटर को खरीदा। लेकिन आज के टाइम में वो ट्विटर को एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं, जिससे वो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब दोस्तों वो चीजें क्या है और वो यूज कैसे कर रहे हैं, ये आपको वीडियो खत्म होने से पहले पता चल जाएगा। लेकिन जरा सोच के देखिए, ट्विटर पर आप ट्वीट करते करते अगर स्टारलिंक का कनेक्शन ले पाए, टेस्ला की गाड़ी खरीद पाए, और अगर मान लीजिए गाड़ी खरीद ली है तो उसका ईएमआई पे कर पाए, और स्पेसएक्स की फ्लाइट का टिकट बुक कर पाए, तो कैसा होगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अचानक से मैं ये बेतुकी बातें क्यों करने लग गया। तो दोस्तों ट्रस्ट मी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स लिख के बताइए क्या टेस्ला सच में उतनी अच्छी गाड़ी है जितनी लोगों में हाइप बनी हुई है। 2022 में जब इलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की बात की थी तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था। देखिए मस्क ने ट्विटर पे कैजुअल सा ट्वीट किया था, फ्री स्पीच का फ्यूचर ट्विटर पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों इस ट्वीट से लोग समझ नहीं पाए थे कि ये किसी बड़े स्टेप की तरफ इशारा कर रहा है, और लोगों की आंखें तब खुली जब मस्क ने ट्विटर के शेयर्स खरीदना शुरू किया और देखते ही देखते कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। मस्क ने सभी को एक ऑफर दिया $54.20 पर शेयर और कहा ये उनका बेस्ट और फाइनल ऑफर है। ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स पहले से ही डिवाइडेड थे। कुछ मेंबर्स को लग रहा था कि डील बहुत अच्छी है, उनके लिए फायदेमंद है, जबकि कुछ लोगों को ये एक तरीके का हॉस्टाइल टेकओवर लग रहा था। दोस्तों इस डील के बीच में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी आए। अब देखिए डील का अमाउंट फाइनल होने के बाद मस्क ने कहा कि ट्विटर पे जो फेक अकाउंट्स और बोट्स हैं उनके एग्जैक्ट नंबर मुझे चाहिए, अगर नहीं दे सकते तो डील कैंसिल। उसके बाद में ट्विटर ने घबरा के मस्क के ऊपर लॉ सूट फाइल कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मस्क अपने कमिटमेंट से कभी भी पीछे हट सकते हैं। उस वक्त पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी नजर इसी डील पे अटकी हुई थी, और फाइनली अक्टूबर 2022 में ये डील फाइनलाइज हो गई। और फिर मस्क ट्विटर के हेडक्वार्टर में सिंक लेकर एंट्री करते हैं और लेट द सिंक इन उनका आइकॉनिक ट्वीट बन जाता है। अब दोस्तों ये जो मूव था उनकी अजीब पर्सनालिटी और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को हाईलाइट कर रहा था। लेकिन दोस्तों जो लोग इस डील को एक जोक समझ रहे थे उन्हें ये पता नहीं था कि मस्क के माइंड में अलग ही खिचड़ी पक रही है। देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा मस्क अपनी कंपनीज को ट्विटर के जरिए बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि ट्विटर मस्क को एक सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं समझते, ये उनके लिए फ्री मार्केटिंग की मशीन है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है साइबर ट्रक। देखिए साल 2019 में जब मस्क ने टेस्ला साइबर ट्रक को लॉन्च किया था तो उन्होंने एक डेमो के दौरान कहा था कि ये ट्रक बुलेट प्रूफ है, लेकिन जब उसका ग्लास टेस्ट किया गया तो वो आसानी से टूट गया। ये चीज लाइव स्ट्रीम हो रही थी, इसलिए सबको लग रहा था कि टेस्ला के लिए एक एंबैरेसिंग चीज हो सकती है। लेकिन दोस्तों इलन मस्क ने इसको मार्केटिंग एडवांटेज के रूप में लिया और उन्होंने साइबर ट्रक के मीम्स और वायरल क्लिप्स को ट्विटर पर प्रमोट करना शुरू किया, और देखते ही देखते साइबर ट्रक के प्री ऑर्डर्स की संख्या एक ही रात में हजारों में पहुंच गई। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, टेस्ला के हर इनोवेशन जैसे कि ऑटो पायलट फीचर, टेस्ला रोडस्टर वगैरह वगैरह, इन सबको भी मस्क अपने ट्विटर हैंडल के जरिए प्रमोट करते रहते हैं। $1 बिलियन एड कैंपेन पे खर्च करे बिना वो सिर्फ अपने ट्वीट से बस क्रिएट कर देते हैं। तो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए, ट्विटर इलन मस्क के लिए एक पावरफुल ब्रांडिंग टूल बन गया है, जिससे वो अपनी किसी भी कंपनी की ब्रांडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इलन मस्क ट्विटर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी कंपनीज के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि उनका एक ट्वीट पूरा क्रिप्टो मार्केट को हिलाकर रख सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डॉज कॉइन और शिबा इनू जैसे मीम कॉइंस। देखिए इनको कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन इलन मस्क ने रातों रात इनकी प्राइस बढ़ा दी। आपको याद होगा साल 2021 में इलन मस्क ने ट्वीट किया था और डॉज कॉइन को कहां से कहां पे पहुंचा दिया। उसके बाद में जब उन्होंने कहा था कि डॉज कॉइन को वो अपनी कंपनीज में पेमेंट मोड के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, तो लोग पागलों की तरह डॉज कॉइन खरीदने लग गए थे। इसके अलावा अगर बात करें शिबा इनू की, तो उसका प्राइस भी मस्क के इनडायरेक्ट मेंशन के कारण स्पाइक हुआ था। अब दोस्तों जरा सोच के देखिए, अगर कोई एक इंसान अपने ट्वीट से $1 बिलियन मार्केट को मूव कर सकता है, तो ये सिर्फ लक तो नहीं हो सकता, एक्चुअल में इलन मस्क की एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटजी है। देखिए उनकी ये स्ट्रेटजी उनके लॉन्ग टर्म क्रिप्टो एंबिशंस को रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें वो ट्विटर को एक पोटेंशियल क्रिप्टो पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। वैसे दोस्तों आपको याद होगा इलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद फ्री स्पीच का चैंपियन बनाने का दावा किया था, लेकिन सवाल ये उठता है क्या सच में फ्री स्पीच का चैंपियन बनाना है या फिर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का जबरदस्त टूल। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट वापस आना। देखिए साल 2021 में जब ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बैन कर दिया था, तब इसे एक
कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन माना गया था, लेकिन 2022 में जब मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया तो उसके बाद में उन्होंने एक पोल कंडक्ट किया जिसमें यूजर से पूछा क्या ट्रंप का अकाउंट वापस आना चाहिए, और पोल के रिजल्ट के बाद में ट्रंप का अकाउंट वापस आ भी गया और ये बात मीडिया में एक बड़ा इशू बन गई थी। इसने मस्क के पॉलिटिकल इंटेंशन पे भी सवाल उठाए थे और बात सिर्फ ट्रंप तक नहीं रुकी। देखिए 2023 में मस्क ने एक पॉलिटिकल इवेंट होस्ट किया था जहां रिपब्लिकन कैंडिडेट रॉन डेसेंटिस ने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी अनाउंस की थी। और दोस्तों ये एक ऐसा मूव था जिसके बारे में किसी ने पहले कभी सोचा नहीं था, क्योंकि पहली बार किसी बड़े पॉलिटिकल इवेंट का ट्विटर के जरिए लाइव स्ट्रीम हुआ था। इसके अलावा दोस्तों मस्क की ओनरशिप के बाद में ट्विटर पॉलिटिकल डिस्कशन का एपिसेंटर बन गया है, यहां तक कि 2024 के यूएस इलेक्शन में मस्क के ट्वीट्स, पोल और प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज ने डायरेक्टली पॉलिटिकल नैरेटिव्स को शेप किया था। और दोस्तों काफी लोगों का ये मानना भी है कि ट्विटर अब एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि मस्क की आइडियोलॉजी का एक्सटेंशन बन गया है। वैसे दोस्तों एलन मस्क ट्विटर से सिर्फ यूएस की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं बल्कि अब उनका निशाना कनाडा की तरफ भी है। कुछ महीने पहले मस्क ने कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि CBC को ट्विटर पर लेबल किया एज अ 69 गवर्नमेंट फंडेड मीडिया। ये एक सरकास्टिक और प्रोएक्टिव मूव था जिससे उन्होंने कैनेडियन मीडिया की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाया था। इससे ना सिर्फ कनाडा के पॉलिटिक्स में हंगामा मच गया बल्कि एक बड़ा डिस्कशन शुरू हो गया कि कैसे गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में मस्क ने एक और कदम उठाया जो कि और भी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था। देखिए ट्विटर यूजर ने मस्क से कनाडा में लीडरशिप चेंज करवाने की मांग की थी और उन्होंने रिस्पॉन्स में कहा ही विल बी गॉन इन दी अपकमिंग इलेक्शंस। वैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बारे में। अब दोस्तों इस चीज से क्लियर होता है कि उनका ट्विटर के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट है। हालांकि एलन मस्क ने ट्विटर का यूज सिर्फ सेल्फ एडवर्टाइजमेंट और ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं किया, ट्विटर को टेक ओवर करने का सबसे बड़ा और एम्बिशियस प्लान है एक सुपर ऐप बनाना। देखिए चाइना का वी चैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें यूजर्स मैसेजिंग, शॉपिंग, पेमेंट्स और बुकिंग भी कर सकते हैं। सो एलन मस्क भी इसी मॉडल से इंस्पायर होकर ट्विटर को एक्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। उनका विजन है एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए जहां पे यूजर एक ही प्लेटफॉर्म पे अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर सकें। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कैसा होगा कि अगर आप ट्विटर पर अपने दोस्त के साथ बात करते करते एलन मस्क की कंपनीज के प्रोडक्ट और सर्विसेज को आसानी से खरीद सके। ये सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि मस्क का एक केयरफुली क्राफ्टेड लॉन्ग टर्म गोल भी है। इस मूव का एम है ट्विटर को एक प्रॉफिटेबल और यूजर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बनाना जो दुनिया भर में एक मोनोपोली एस्टैब्लिश कर सके। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें करने में रिस्क भी बहुत आए। देखिए पहले तो डील के बाद में ट्विटर का वैल्यूएशन गिर गया और मस्क को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा और कई सारे एडवर्टाइजर ने प्लेटफॉर्म से दूरी बना ली। लेकिन दोस्तों उसके बाद में मस्क ने नए नए रेवेन्यू मॉडल्स शुरू किए जैसे कि ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन, पे फॉर वेरिफिकेशन और क्रिएटर्स के साथ एड रेवेन्यू शेयर करना। ये नए नए एक्सपेरिमेंट एक प्रूफ है कि मस्क के लिए फेलियर भी इनोवेशन की तरफ का एक स्टेप है। वैसे दोस्तों मस्क का एक लॉन्ग टर्म गोल ये भी है कि वो क्रिप्टो को मेनस्ट्रीम पेमेंट का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। ट्विटर का वास्ट यूजर बेस और मस्क का क्रिप्टो में इन्फ्लुएंस, ये दोनों मिलकर इसे एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो में रेगुलेशन, वोलेटिलिटी और यूजर एडॉप्शन जैसे कई सारे चैलेंजेस भी है। अब देखना ये होगा कि मस्क इन सबको कैसे हैंडल कर पाएंगे। वैसे दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि एलन मस्क हमेशा रिस्क लेते हैं और उनका हर रिस्क दुनिया को एक नए दौर में ले जाता है। अब दोस्तों ये फ्री स्पीच के एक नए दौर की शुरुआत है या नैरेटिव्स को शेप करने का एक शातिर प्लान, ये सवाल अभी भी डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, एलन मस्क का ट्विटर को खरीदना एक जीनियस मूव था या एक रिस्की गैम्बल? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एलन मस्क के इस मूव के बारे में पता चले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।